हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ गाजर की बर्फ़ी की रेसिपी। जी हाँ, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और गाजरें भी बहुत बढ़िया आनी शुरू हो गई हैं, तो क्यों ना इसकी मिठाई बनाई जाए। गाजर का हलवा या फिर गजरेला तो हम आए दिन बनाते ही रहते हैं, चलिए आज बर्फ़ी बनाते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो गाजर की बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने ये 2 किलो गाजरें ली हैं और इनको मैंने ऐसे मोटे मोटे पीसीज इनके काट लिए हैं और इनके बीच जो येलो वाला पार्ट होता है वो मैंने हटा दिया है। और ये रेड रेड वाली गाजरें लीजिएगा, जिनका कलर डार्क हो और अच्छी तरह से लाल लाल हो वही गाजर लीजिएगा इसके लिए। अब एक कुकर लेंगे और उसमें ये सारी गाजरें डाल देंगे और 2 ग्लास इसमें दूध के डाल देंगे। हमने इन गाजरों को कद्दूकस नहीं करना है, क्योंकि कद्दूकस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मेहनत भी बहुत लगती है, तो इसलिए हम इसे दूध डाल के बॉयल कर लेंगे बस। अगर आपको गाजरों को कद्दूकस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से उन्हें कद्दूकस कर सकते हैं, तो आप गाजरों को पहले कद्दूकस कर लीजिएगा, येलो वाला पार्ट हटा दीजिएगा और उसे फिर ऊपर गैस जलाकर गैस पे रखेंगे कढ़ाई में डालकर, और फिर उसके बाद ये 2 ग्लास दूध उसमें डालिएगा। दूध डालने के बाद इसे गैस पर रख देंगे बंद करके कुकर को और 2 या 3 विसल आने देंगे। कुकर की 3 सीटियां लग चुकी हैं, अब मैं इसे खोल कर रख देती हूँ थोड़ी देर और इसकी सारी स्टीम निकाल देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। ये थोड़ी देर के बाद दूध और गाजर हमारी दोनों ठंडी हो चुकी हैं, अब मैं इसे मिक्सी के जार में डालकर पीस लेती हूँ। अगर आप चाहें तो इसे बिना बॉयल किए हुए भी मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड कर सकते हैं। गाजर को पीसने के बाद एक कढ़ाई गैस पर चढ़ाएंगे और ये गाजर वाला मिक्सचर उसमें डाल देंगे। जो बची हुई गाजर और दूध था उसे भी हम सेम ऐसे ही पीस लेंगे और इसमें डाल देंगे। अब गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं और हमने इस मिक्सचर को गाढ़ा करना है। यहाँ पर थोड़ी सी बात ध्यान देने वाली है कि गैस का फ्लेम आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा करते रहिएगा, क्योंकि जब हम इसे गाढ़ा करेंगे तो इसमें से ये अभी लिक्विड फॉर्म में है थोड़ा, तो ये छींटे मारेगा और चारों तरफ फैलेगा, और इसे बीच बीच में हिलाते ज़रूर रहिएगा और गैस का फ्लेम अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा करते रहिएगा। लेकिन घबराइए नहीं, इसका भी इलाज है। अगर आप ऐसे साइड में इसके ऊपर ढक्कन रख कर इसको पकाएंगे तो बिल्कुल भी आप पर छींटे नहीं गिरेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में ढक्कन हटाकर फिर इसे हिला दीजिएगा और हिलाते वक्त गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो कर लीजिएगा और फिर दोबारा ढक्कन लगाकर आप मीडियम या फिर हाई गैस का फ्लेम कर सकते हैं। ये काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, अब मैं इसमें 1 कटोरी भरकर जैगरी की डाल रही हूँ, यानी गुड़ की डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो गुड़ की बजाय चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने गुड़ को छोटे छोटे पीसीज में तोड़ लिया है
और अब मैं इनको इसमें डाल देती हूँ। मीठा कम या ज्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं। ये देखिए, ये काफी गाढ़ा होता जा रहा है, लेकिन हमें अभी इसे और ज्यादा गाढ़ा करना है। अब मैं इसमें एक बड़ी कटोरी भरकर फ्रेश मलाई की डाल रही हूँ। एक बात का ध्यान रखिएगा कि मलाई गाढ़ी हो, उसमें ज्यादा दूध ना हो। इतना गाढ़ा होने के बाद अब मैं इसमें 2 चम्मच देसी घी के डाल रही हूँ। और ये देखिए, अब देसी घी मिक्स करने के बाद इसका टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया, कितना शानदार हो गया है। अब यहाँ पर मैंने थोड़े से बादाम लिए हैं और उन्हें छोटा छोटा काट कर ये भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। इस वक्त आप हरी इलायची को कूट कर या फिर उसको पीस कर भी, उसका पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं, उसका फ्लेवर भी बहुत बढ़िया आता है। इसे अभी मुझे और गाढ़ा करना है, इतना गाढ़ा कि इसमें से घी अलग नजर आने लग जाए, या फिर इसे थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसका थोड़ा सा बेस उठाकर उसका लड्डू सा बनाकर देखिएगा। अगर तो लड्डू आराम से बन गया है, यानी आपका बेस तैयार है, और अगर नहीं बन पा रहा है तो आप इसे और पकाइएगा और गाढ़ा कीजिएगा। अगर आप इस बेस को अच्छी तरह से गाढ़ा नहीं करेंगे, थोड़ा सा पतला छोड़ देंगे, तो आपकी बर्फी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। बर्फी का बेस तैयार हो चुका है। अब मैंने एक पैन लिया है और उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया है। अब इसमें मैं ये काजू फ्राई करूंगी। काजू के मैंने 2-2 पार्ट कर दिए हैं। ये जो काजू हैं, ये मैं बर्फी के ऊपर डेकोरेट करूंगी। और फ्राई इसलिए कर रही हूँ क्योंकि फ्राई करने से ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, फ्रेश हो जाते हैं एकदम, और क्रंची बन जाते हैं, और इनकी लाइफ शेल्फ भी बहुत बढ़ जाती है। बस हमने इसे 1 मिनट के आसपास ही रोस्ट करना है और फिर पैन से बाहर निकाल लेना है। काजू निकालने के बाद उसी पैन में थोड़े से पिस्ते भी रोस्ट कर रही हूँ मैं। इसे भी 1 मिनट के आसपास रोस्ट करना है। अब इसे देते हैं फाइनल टच। तो मैं इसमें 2 पैकेट मिल्क पाउडर के, जो छोटे वाले मार्केट में मिलते हैं, वो डाल रही हूँ। अगर आपके पास पैकेट नहीं है तो आप 4 या 5 टेबलस्पून भरकर मिल्क पाउडर के इसमें डाल सकते हैं। यहाँ मैंने 2 बर्तन लिए हैं, इसमें हम अपनी बर्फी सेट करेंगे। ये स्क्वायर शेप या फिर रेक्टेंगल शेप, आपके पास जो भी हो आप ले लीजिएगा। इनमें मैंने बटर पेपर लगा दिया है ताकि हमारी बर्फी नीचे चिपके ना और आसानी से निकल जाए। और जो अभी हमने पिस्ता रोस्ट किए थे वो मैं इधर नीचे की साइड पूरा फैला देती हूँ। अब इसके ऊपर सारा बर्फी का बेस फैला देते हैं और एक छोटा चम्मच लेकर इसे चारों तरफ से बिठा देते हैं और सेट कर देते हैं। इसे हम 15-20 मिनट रूम टेम्परेचर पर ही रख देंगे सेट होने के लिए, और फिर हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये एक बॉक्स मैंने फ्रिज से बाहर निकाला है और अब मैं इसकी आपको बनाकर दिखाऊंगी बर्फी। इसे चारों तरफ से चाकू की हेल्प से बॉक्स से अलग कर लेंगे ताकि आराम से ये बाहर निकल सके।
वाह 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 वाह, क्या बात है, कितनी सुंदर बर्फी बनकर तैयार हुई है हमारी, और खाने में भी इतनी डिलीशियस और इतनी टेस्टी होती है, बहुत ही बढ़िया। अब हम इसका बटर पेपर हटाएंगे और इसकी कटिंग करेंगे, और जो हमने काजू रखे हैं वो इसके ऊपर डेकोरेट करेंगे। चलिए, जब तक बर्फी की कटिंग हो रही है, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके, और वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।